हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, तो फिर हम पहले आज के दिन थोड़ा रिफर कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देखा था, नेक्स्ट वन हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, दोनों हमने क्लियर किया। नेक्स्ट वन हमने क्वालिफिकेशन देखा था ऑडिटर का। नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने मीनिंग और डेफिनेशन की थी ऑडिटिंग की। थर्ड लेक्चर में हमने जो भी हमारा स्कोप ऑफ ऑडिटिंग है वो हमने नोट किया था। अब हमारा आज का टॉपिक था बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो बुक कीपिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हमें जो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग है उसका डिफरेंस हमें देखना है, और नेक्स्ट पर हमारा रहेगा इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस हमें देखना है। तो फर्स्ट वन आज के दिन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटेंसी फर्स्ट वन है डेफिनेशन के थ्रू कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं और ऑडिटिंग किसे कहते हैं। इसमें मैंने जनरल कंटेंट है जो हमारा वो डिफरेंस के थ्रू ही कंसिडर कर लिया है, इस वजह से आपको याद रखने में भी इजीली हो और आप इजीली लर्न भी कर पाए। और जो भी अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग ये जो कंपैरिजन हम करेंगे तो इससे आपका जो भी कंसेप्ट है वो भी आपका डिफरेंस के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन पॉइंट है हमारा डेफिनेशन। द अकाउंटेंसी इंक्लूड्स राइटिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस अकाउंट, एनुअल अकाउंट्स एंड प्रेजेंट द फिनेंशियल जर्नल। कि अकाउंटेंसी है उसका क्या रहेगा, तो अकाउंटेंसी हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम फर्स्ट वन हमारा जर्नल, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बेस पर से हम लेडजर पोस्टिंग कंडक्ट करते हैं, लेडजर पोस्टिंग के बेस से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट है, P&L अकाउंट है और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। द अकाउंटेंसी ऑल्सो इंक्लूड्स कलेक्शन एंड नोटिंग डाउन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रिपेयर रजिस्टर शोइंग द फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द यूनिट। कि अकाउंटेंसी हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, जो कैश ट्रांजेक्शन है उसका हम पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे, कैश अकाउंट में करेंगे। सेल्स है तो सेल्स का, परचेज का, हम वैसे जो भी ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसे बाइफर्गेट करेंगे। सेल्स परचेज है, परचेज रिटर्न है, सबका क्लासिफिकेशन करके हम उसे प्रॉपरली उसके अकाउंट में नोट करेंगे। और उसके थ्रू क्या होता है कि हमारी कैश की सिचुएशन है, परचेज हमने कितना किया है, कितना सेल्स हुआ है, प्रॉपरली फिनेंशियल कंडीशन हम डिराइव कर पाए। दस बुक कीपिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग है वो इंक्लूड हो जाता है। बुक कीपिंग क्या रहता है, हमारा फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप रहता है कि जो हम फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं वाउचर के बेस से, जहाँ पे हम अकाउंट नोट करने का स्टार्टिंग करते हैं, इसलिए बुक कीपिंग है वो अकाउंटेंसी में इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट वन है ऑडिटिंग। आफ्टर द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, द फिनेंशियल रजिस्टर आर प्रेजेंटेड लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। जो हमारा नेक्स्ट वन क्या रहता है कि हमने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, अब नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि जो भी हमारे प्रिंसिपल नॉर्म्स है, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स है, उसके बेस से हम क्या करेंगे, जो फिनेंशियल रजिस्टर है उसके थ्रू हम प्रेजेंट करेंगे। P&L अकाउंट है हम प्रॉपरली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, P&L अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन है द डिटेल एक्सप्लेनेशन, वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स प्रोवाइड फॉर डिटरमिनिंग वेदर द बैलेंस शीट शो द एक्चुअल फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी एंशोर्ड विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विच प्रोसेस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। नेक्स्ट वन हमें क्या बताया गया है कि जो P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा कि जो हमारे एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाउचर के थ्रू या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के थ्रू, उसे हम प्रॉपरली बैलेंस शीट के थ्रू एक्चुअल फिनेंशियल कंडीशन है कंपनी की हम डिराइव करते हैं। और क्या इंश्योर करते हैं, क्या चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं। और ये जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ये कंप्लीट प्रोसेस है, जो हम एक्चुअल कंडीशन भी नोट करते हैं, क्या सिचुएशन है, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। इन शॉर्ट अकाउंटेंसी में हमने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं
उसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सब अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, सेपरेटेड जो भी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, वो सब अकाउंट को वेरीफाई और चेक करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन हमारा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइंड आउट द ट्रेडिंग आउटकम्स, मीन्स नेट प्रॉफिट और लॉस, एंड टू प्रेजेंट द एक्चुअल फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। सेकेंड वन हमारा अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसका प्रॉपरली आउटकम डिराइव करें, नेट प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन एक्चुअल जो भी पीएनएल अकाउंट के थ्रू प्रेजेंट हो, और फिनेंशियल कंडीशन है बिजनेस की हमें पता चल पाए। इन शॉर्ट अकाउंटेंसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अकाउंट हम मेंटेन कर पाए और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटकम्स मिल पाए। अब ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू वेरीफाई वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड शो द एक्चुअल फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द यूनिट एट दैट टाइम और नॉट। ऑडिटिंग क्या करता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे वेरीफाई करते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं वो एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, एज पर द लॉ है कि नहीं, जो नॉर्म्स हमने फॉलो किए हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं वो चेक करते हैं, और एक्चुअल फिनेंशियल कंडीशन है, जो भी ईयर है, जो भी हमारा फिनेंशियल ईयर है, उसकी एक्चुअल कंडीशन बिजनेस की कैसी है, प्रॉफिट की है, लॉस की है, वो हम इजीली डिराइव कर पाए, वो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर वैसे हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और प्रेजेंट करने हैं। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उससे बेस हमें जो प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं उससे हमें कंक्लूजन है, और जो फिनेंशियल कंडीशन है वो हमें डिराइव करनी है, ये हमारा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव रहेगा। थर्ड वन है हमारा स्कोप। द स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इंक्लूड टू मेंटेन एंड राइट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेन क्या रहेगा स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी का, कि उसे प्रॉपरली मेंटेन करना रहेगा अकाउंट्स है, और बुक्स ऑफ अकाउंट को नोट डाउन करने हैं, राइट डाउन करने हैं, टू प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स एंड फिनेंशियल रजिस्टर बेस्ड ऑन इट। ये जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, मेंटेन किए गए हैं, उससे बेस हम क्या करेंगे, जो हमारे फिनेंशियल रजिस्टर है और एनुअल अकाउंट्स हैं वो हमें प्रिपेयर करने हैं अकाउंट के बेस पर से। अब ऑडिटिंग का स्कोप क्या है एज कम्पेयर टू अकाउंटेंसी, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड टू वेरीफाइड साइंटिफिकली एंड प्रिपेयर रिपोर्ट रिलेटेड टू इट। कि कंपनीज एक्ट की जो भी प्रोविजन है उन सबको ध्यान में रखते हमें वेरीफिकेशन करना है ऑडिटिंग में, और साइंटिफिकली वेरीफिकेशन करना है, और जो भी वेरीफिकेशन ऑडिटर कंडक्ट करता है उसके बेस पर से ऑडिटर को रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, और वो रिपोर्ट हम एनुअल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, और ऑडिटर रिपोर्ट भी उसमें इंक्लूडेड होता है, वो ऑडिटिंग का स्कोप रहेगा। जहाँ पे भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसे पॉज करके आप फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, इसलिए मे बी क्लियर हो जाएगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट वन हमारा डिफरेंस है रिपोर्ट। द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट्स आर टू बी प्रेजेंटेड, फॉर दिस नो रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड। कि रिपोर्ट में हमें क्या दिया गया है, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। ये जो अकाउंटेंसी में रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, बट ऑब्वियस है कि अकाउंटेंट है वो क्या करता है, अकाउंटेंसी का रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करता है। फॉर दिस नो रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड, कि उसे कोई ऐसे एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करता है, बट जस्ट समरी उसे प्रिपेयर करनी रहती है। अब ऑडिटर के बारे में हमें बताया गया है कि ऑडिटर हैज़ टू प्रिपेयर रिपोर्ट रिगार्डिंग द अकाउंट्स एंड अदर डिटेल्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। कि ऑडिटर क्या करता है कि जो अकाउंटेंट के थ्रू रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है, डिटेल रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया गया है उसमें भी वो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करता है, कि उसमें सपोर्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड की गई होगी, अकाउंट्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होगी, और सभी इंफॉर्मेशन उसमें कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है, फिफ्थ वन है डेजिग्नेशन एंड नेसेसरी क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन और उसका डेजिग्नेशन क्या रहता है वो हम देखते हैं।
The person carry out the function of writing and maintaining accounts is called an accountant. कि जो भी person है वो accounts note करके क्या work carry forward करता है, account से वो note करता है और account को maintain करता है, उसे हम क्या कहते हैं? Accountant कहते हैं. The accountant should be well versed in the accountancy. अकाउंटेंट क्या होता है? उसे वेल वर्स्ड इनफ नॉलेज होता है रिलेटेड टू अकाउंटेंसी. ही मे नॉट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अकाउंटेंट के पास अकाउंटेंसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो होती है, बट उसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए नहीं कह सकते हैं और ना ही वो एज अ अकाउंटेंट कोई भी सीए बन पाता है. अब ऑडिटिंग के बारे में देखते हैं. द पर्सन कैरी आउट द ऑडिटिंग ऑफ द प्रीपेड अकाउंट इज नोन एज ऑडिटर. कि जो पर्सन है जो प्रिपेयर अकाउंट है, अकाउंट किसने प्रिपेयर किए हैं? अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किए हैं. अकाउंटेंट के थ्रू जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उसे कैरी फॉरवर्ड कौन करता है? ऑडिटर करता है. कि जो भी चेक करता है उस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं. द पर्सन डूइंग ऑडिटिंग ऑफ कंपनी अकाउंट शुड हैव टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. कि जो पर्सन है वो डूइंग बिजनेस कंटिन्यू करता है या फिर जो भी अकाउंट्स है कंपनी का वो ऑडिट करता है, वो कौन होता है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर बिजनेस के जो अकाउंट्स है कोई वो कोई अकाउंटेंट वेरीफाई नहीं कर सकता है. वो ओनली फॉर वन एंड ओनली पर्सन, जो भी पर्सन के पास सीए की क्वालिफिकेशन होती है वही पर्सन उसे वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है. नेक्स्ट वन हमारा डिफरेंस है नेचर ऑफ फंक्शनिंग. अकाउंटेंसी इज द कंप्लीट साइंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंट्स आर रिटन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रिंसिपल कन्वेंशन रूल्स एक्सेट्रा. कि अकाउंटेंसी है वो कम्प्लीटली साइंस है. कि साइंस में किस तरीके से होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी हमने रिसर्च किया होता है उससे बेस्ड जो हमने डिराइव किया होता है उसी तरीके से साइंस में फॉलो किया जाता है. तो सेम वैसे ही जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो प्रिंसिपल नॉर्म्स है, कंपनीज एक्ट के नॉर्म्स है, जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन है, वो सब स्पेसिफिक रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है और उससे बेस ही हमें अकाउंट्स नोट करने हैं, राइट डाउन करने हैं. एज कम्पेयर टू ऑडिटिंग हैज सर्टेन प्रोसेस टू अंडरगो, द नेचर ऑफ फंक्शनिंग कैन बी डिटरमाइंड एज पर द नेचर एंड बिजनेस कंडीशन ऑफ द यूनिट. के अब हम कंपेरिजन करते हैं ऑडिटिंग की. तो ऑडिटिंग का फंक्शनिंग क्या है? कि जो भी प्रोसेस टू है उसे कंटिन्यू करनी है. द नेचर ऑफ फंक्शनिंग कैन बी डिटरमाइंड एज पर द नेचर एंड बिजनेस कंडीशन ऑफ द यूनिट. कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो किस तरीके से ऑडिटिंग की डिराइव की जाएगी, जो बिजनेस की कंडीशन है, बिजनेस किस टाइप का है, उससे बेस हम ऑडिटिंग का जो फंक्शनिंग है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है लेडजर्स. द लेडजर्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मे कंटेन एरर और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. सच एरर और फ्रॉड मे बी ऑफ देयर ओन और इंटरनेशनल. के अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो लेडजर है उसके अकॉर्डिंग हम पीएनएल अकाउंट में पोस्टिंग कंडक्ट करते हैं. मे कंटेन एरर और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. के कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम लेडजर पोस्टिंग करते हैं उसमें हमसे कोई भी मिस्टेक हो गई या फिर उसमें फ्रॉड कंडक्ट हुआ है, तो एरर और फ्रॉड की सिचुएशन है वो पीएनएल अकाउंट में ज़्यादा रहेगी. सच एरर और फ्रॉड मे बी ऑफ देयर ओन और इंटेंशनल. कि कई एरर और फ्रॉड किस तरीके के होते हैं, वो बाय मिस्टेक नहीं होते हैं, उसे क्रिएट इंटेंशनली क्रिएट किया गया होता है. इंटेंशनली क्रिएट किया गया होता है उसका मतलब क्या है कि कंपनी में माल प्रैक्टिसेस और कंपनी के पैसे लेने के लिए वैसे फ्रॉड है वो कंडक्ट किए जाते हैं. और फ्रॉड के बारे में तो आपको काफ़ी पता है. ये पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ था, ये मोदी का भी अभी फ्रॉड कंडक्ट हुआ है, जो नीरव मोदी का है वो फ्रॉड पे अभी कंटिन्यू है. ऐसे कई सारे फ्रॉड है वो हमें स्कैम, जो गवर्नेंस का चैप्टर है कॉरपोरेट गवर्नेंस का लास्ट यूनिट है हमारा, वहाँ पे हमें फ्रॉड के बारे में कई ज़्यादा डिटेल में और इन डिटेल हम केस स्टडी भी उसमें करेंगे. उसमें कई सारे केस भी दिए गए हैं, अगर आपके पास बुक हो तो आप चेक कर सकते हैं. उसमें केस हैं और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग केस दिए गए हैं. अब अकाउंटेंसी की कंपैरिजन में लेडजर के बारे में बताया गया है ऑडिटर का. द ऑडिटर हैज़ टू फाइंड द एरर एंड फ्रॉड फ्रॉम द राइटिंग अकाउंट्स
and ledgers at the same time, there should not be any error in the continuity of the accounts. के ऑडिटर क्या करता है, जो भी एरर और फ्रॉड्स है उसे नोट डाउन करता है, लेडजर में कहाँ पे है वो उसे फाइंड आउट करता है. एट द सेम टाइम देर शुड नॉट बी एनी एरर इन द कंटिन्यूटी ऑफ द अकाउंट्स. अगर वो फाइंड आउट हो गए एरर और फ्रॉड तो उसे इजीली डिटेक्ट हो गए, तो फिर वो अगर फर्दर अकाउंट्स में वो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे अगर डिटेक्ट हो गए तो. अगर नहीं डिटेक्ट हो पाएंगे ऑडिटर से भी तो फिर वो फ्रॉड और एरर है वो कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड होंगे. नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा वर्किंग ड्यूरेशन. विद द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, इट कंटिन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटेंट क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट में पोस्टिंग हम कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारा जो ड्यूरेशन है वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहेगा, उस ड्यूरेशन के अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटेंट वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. एज कम्पेयर टू ऑडिटिंग, टिल द अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑडिटिंग कैन नॉट बी स्टार्ट. जब तक अकाउंट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं हो सकता है. जब अकाउंट है वो सब नोट हो जाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएंगे अकाउंट्स, उसके बाद ही ऑडिटिंग का वर्क स्टार्ट हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, कि अकाउंटिंग नॉलेज का यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है. एज पर द अकाउंटेंसी टू प्रिपेयर अकाउंट्स मीन्स द क्रिएटिव यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज. अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यूटिलाइजेशन किस तरीके से दिया गया है, कि अकाउंटेंसी टू प्रिपेयर अकाउंट्स, यू नो उसका मीनिंग क्या होगा कि क्रिएटिव यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज. जो रूल्स रेगुलेशन है, जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या होता है, क्रिएटिव यूटिलाइजेशन होता है. कि हम सेम अकाउंट आप स्टडी करते हो, आपने कई सारे अकाउंट स्टडी किए, कोस्ट है, अभी इस सेमेस्टर में आप मैनेजमेंट अकाउंट स्टडी करोगे, अकाउंटिंग है, टैक्स है, तो सब में क्या रहेगा कि आपने अपनी स्किल प्रॉपर वैसे यूटिलाइज की है, उसी वैसे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं. इनकम टैक्स का अकाउंट आपने कभी भी टैक्स कैलकुलेट है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अकाउंट के रूल्स रेगुलेशन है आपने टैक्स में अप्लाई किए हैं, वैसा नहीं हो सकता है. सबके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने रहते हैं. टिल द अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑडिटिंग कैन नॉट बी सॉरी वेरिफिकेशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स में ऑडिटिंग देम इज कॉल्ड द एनालिटिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज. कि जो वेरिफिकेशन है उसमें कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, कि जो वेरीफाई हम करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम चलो पहले के जब अकाउंट स्टार्ट हुए उसके 10 ट्रांजेक्शन सही है तो फिर आगे का अकाउंट भी सही होगा, वैसा तो नहीं हो सकता है. तो फिर उसमें क्या होता है कि जो भी अकाउंट्स हमारे है उसके में वेरिफिकेशन के लिए भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी किस तरीके से, कि सपोज आज मान लीजिए कि आप ऑडिटर है वो ऑडिटिंग करने के लिए बैठा है, तो फिर उसे कैश अकाउंट आज उसने वेरीफाई किया है, तो कैश अकाउंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, वेरीफाई नहीं हो जाता, वो उसे बीच में नहीं छोड़ सकते. अगर उस मान लीजिए कि उसने बीच में छोड़ भी दिया तो उसमें फ्रॉड और एरर क्रिएट होने के 99% तक चांस रहते हैं. इसलिए जो भी ऑडिटर होता है, जो भी अकाउंट्स वो वेरीफाई करता है, वो वन सिटिंग में वो वन अकाउंट है वो क्लियरली वेरीफाई कर लेता है. एनालिटिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, और ये अप्रोच क्या रहेगा, ये प्रोसेस क्या रहेगी, एनालिटिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज रहेगी. आज के दिन हम यहाँ तक रखेंगे. नेक्स्ट वन हम यही पॉइंट में हमारा नेक्स्ट वन डिफरेंस रहेगा ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है, ऑडिटिंग क्या होता है. आज के दिन आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों पॉइंट अलग है और दोनों के बारे में क्लियरली आपको पता चल गया होगा. नेक्स्ट वन हमारा रहेगा इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग. इन्वेस्टिगेशन की कंपैरिजन हम ऑडिटिंग के साथ करेंगे. ओके, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. बाय बाय, थैंक यू.